गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास एट साइंस सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का पार्ट 7 आज मैं बताऊंगा। सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में लास्ट वीडियो मैंने बताया था, प्लास्टिड्स रह गया था उसको आज मैं बता दे रहा हूँ। प्लास्टिड्स जो होता है वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। वीडियो पूरा देखिएगा, वीडियो लाइक करिएगा, और वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। प्लास्टिड्स एक टिनी स्ट्रक्चर है विच इज़ प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। यह डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, मैं वो स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूँ। डबल लेयर मेम्ब्रेन, ये डबल लेयर मेम्ब्रेन होता है और इसमें इस तरह से क्वायन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो एक दूसरे से लैमिला से जुड़ा होता है। लैमिला से जुड़ा है और इसमें लिक्विड मटेरियल जो होता है इसको हम स्ट्रोमा बोलते हैं। स्ट्रोमा और इसमें डीएनए और राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। डीएनए प्रेजेंट होता है ये एनविलोप है, मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, ये ग्रेना कहा जाता है, लैमिला है और ये स्ट्रोमा है। डीएनए मीन्स डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। होता है ये डीएनए। तो ये स्ट्रक्चर जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, चूंकि ये प्लास्टिड्स है इसलिए एनिमल सेल में एब्सेंट होता है, सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। ये इसमें इस तरह से स्ट्रक्चर बना होता है जो क्वायंस लाइक स्ट्रक्चर। क्वायन को अगर हम अरेंज कर दें तो इस तरह से इस स्ट्रक्चर को हम ग्रेना बोलते हैं और ये ग्रेना एक जुड़ा होता है एक दूसरे से लैमिला के थ्रू जुड़ा होता है। इसमें जो लिक्विड मटेरियल होता है इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। तो ग्रेना का क्या काम है? ग्रेना लाइट रिएक्शन ग्रेना में कंप्लीट होता है और डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में कंप्लीट होता है। ठीक है, तो दो प्रोसेस होता है क्योंकि ये प्लास्टिड्स है या पिगमेंट होता है। इस प्लास्टिड्स फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है या फोटोसिंथेसिस का फॉर्मेशन करता है। और फोटोसिंथेसिस में टू प्रोसेस होता है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। जो लाइट रिएक्शन होता है यह ग्रेना में प्रेजेंट होता है, कंप्लीट होता है, और जो डार्क रिएक्शन है वह स्ट्रोमा में कंप्लीट होता है। लाइट रिएक्शन में क्या होता है कि जो लाइट सनलाइट जो एब्जॉर्ब किया जाता है, तो सनलाइट एब्जॉर्ब करने का काम ग्रेना का है। फिर वो सनलाइट कन्वर्ट करता है, फोटोसिंथेसिस करके कन्वर्ट कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड और फूड में, वो काम है स्ट्रोमा का है। इसमें सेल्फ इसका जो डीएनए होता है और राइबोसोम होता है। तो
माइटोकांड्रिया की तरह इसमें भी डीएनए और राइबोसोम इसका खुद का होता है, इसलिए इसको भी सेमी ऑटोनोमस कहा जाता है। सेमी ऑटोनोमस सेल माइटोकांड्रिया की तरह, माइटोकांड्रिया में डीएनए और राइबोसोम होता है, इसमें भी डीएनए और राइबोसोम होता है, यानी पूरी तरह से यह दूसरे पर डिपेंड नहीं रहता है, बल्कि यह खुद अपना प्रोटीन का सिंथेसिस करता है क्योंकि इसमें राइबोसोम प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको सेमी ऑटोनोमस कहा जाता है। इस चूंकि ये सेल किचन ऑफ द सेल कहा जाता है, किचन ऑफ द सेल, क्यों किचन ऑफ द सेल कहते हैं, क्यों किचन ऑफ सेल, सेल का किचन कहा जाता है इस प्लास्टिड्स को, क्योंकि यह फूड का फॉर्मेशन करता है, फूड का फॉर्मेशन इसी में होता है। और ये जो प्लास्टिड्स है यह थ्री टाइप्स का होता है, एक क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। प्लास्टिड्स थ्री टाइप्स के, फर्स्ट क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। जो क्रोमोप्लास्ट है यह कलर्ड पिगमेंट होता है, कलर्ड पिगमेंट एक्सेप्ट ग्रीन, एक्सेप्ट ग्रीन, ग्रीन कलर को छोड़कर। और दूसरा है क्लोरोप्लास्ट जो कि ग्रीन कलर देता है, और ल्यूकोप्लास्ट जो होता है कलरलेस, यह कलरलेस होता है, कोई कलर नहीं होता है, ये कलरलेस होता है ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, तो इसका फंक्शन देख लेते हैं। फंक्शन फर्स्ट, जैसा कि क्रोमोप्लास्ट होता है, या क्रोमोप्लास्ट जो होता है वह फ्लावर्स को, फ्रूट्स को डिफरेंट कलर के होते हैं, डिफरेंट कलर देता है, जैसे फ्लावर डिफरेंट कलर के होते हैं, फ्रूट डिफरेंट कलर के होते हैं, और भी जो डिफरेंट कलर्स होते हैं वह ये देता है। सेकंड है क्लोरोप्लास्ट, जो क्लोरोप्लास्ट होता है वह ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है, जो कि फूड के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, यानी फोटोसिंथेसिस करने का काम होता है। सेकेंड, इसका फोटोसिंथेसिस कलर प्रोवाइड करना है, प्रोवाइड डिफरेंट कलर, और फोटोसिंथेसिस करना, और थर्ड है स्टोरेज का काम करता है, ये फूड स्टोर करता है ल्यूकोप्लास्ट, क्योंकि ये कलरलेस होता है, जैसे बीट रूट हो गया, बीट हो गया, पोटैटो हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, तो ये सभी में फूड स्टोर रहता है। तो ये क्लोरोप्लास्ट जो है कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, डिफरेंट कलर देता है, और स्टोरेज का भी वर्क करता है।